जिसका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एजुकेशनलिस्ट, फिलोसोफर एंड स्टेटमैन, वाज ए स्कॉलर ऑफ एमिनियंस। एजुकेशनलिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। एजुकेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? शिक्षाविद। फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। स्टेटमैन का मतलब होता है जो एजुकेटेड होता है। स्टेटमैन वाज ए स्कॉलर ऑफ एमिनियंस का मतलब होता है कि महान विद्वान। स्कॉलर ऑफ एमिनियंस का मतलब क्या होता है? महान विद्वान। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एजुकेशनलिस्ट, फिलोसोफर एंड स्टेटमैन, वाज ए स्कॉलर ऑफ एमिनियंस। के डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक एजुकेशनलिस्ट, एक शिक्षाविद, फिलोसोफर, एक दार्शनिक एंड स्टेटमैन, एक वक्ता, वाज ए स्कॉलर ऑफ एमिनियंस, और एक महान क्या थे? महान ज्ञाता थे या महान विद्वान थे। ही वाज ए फेलो ऑफ ऑल सोल्स एंड गेव लर्न डिस्कोर्स ऑन इंडियन फिलोसॉफी एट मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड एज स्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स एट ऑक्सफोर्ड। ही वाज ए फेलो। फेलो का अर्थ होता है अनुयायी। फेलो का अर्थ क्या होता है? अनुयायी। ही वाज ए फेलो ऑफ ऑल सोल्स एंड गेव लर्न डिस्कर्सेज ऑन इंडियन फिलोसॉफी। कि वह एक महान क्या थे? ही वाज ए फेलो ऑफ ऑल सोल्स। कि वह ऑल सोल्स के क्या थे? फेलो थे, अनुयायी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऑल सोल्स के क्या थे? फेलो थे, अनुयायी थे। एंड गेव लर्न डिस्कोर्सेज ऑफ इंडियन फिलोसॉफी एट मैनचेस्टर कॉलेज। और उन्होंने भारतीय जो इंडियन जो फिलोसॉफी है उसके ऊपर इन्होंने मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में क्या किया? इन्होंने डिस्कोर्स दिया। इसका महान इसका क्या किया? वर्णन किया कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज मैनचेस्टर में इन्होंने इंडियन फिलोसॉफी पर महान क्या किया? लर्न डिस्कोर्सेज, इसके ऊपर महान इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। एंड एज स्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स एट ऑक्सफोर्ड। और इन्होंने ऑक्सफोर्ड से ही स्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स पर इन्होंने क्या किया? ये इन्होंने नॉलेज भी प्राप्त किया। ही रोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का क्या होता है? राष्ट्रपति। ही रोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको इंडिया का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। पूजा सैनी, वेरी गुड आफ्टरनून पूजा। एज ए फिलोसोफर एंड स्टेटमैन, राधा कृष्णन मेड ए लास्टिंग एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट सर्टेन फिलोसॉफिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी। कॉन्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है योगदान। कॉन्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है? योगदान। थिंक का अर्थ होता है सोचना। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। यूनिक अर्थ क्या होता है? अद्वितीय। फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। स्टेटमैन का मतलब होता है वक्ता। स्टेटमैन का मतलब क्या होता है? दादा सॉरी स्टेटमैन का मतलब होता है वक्ता। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक। सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र। कि एज ए फिलोसोफर एंड स्टेटमैन, राधा कृष्णन मेड ए लास्टिंग एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट सर्टेन फिलोसॉफिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी। कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन एक फिलोसोफर और एक वक्ता के रूप में ये एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्होंने एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, एक एडिटिव योगदान दिया किस क्षेत्र में? टू द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट सर्टेन फिलोसॉफिकल। कि हम संसार के बारे में और एक निश्चित फिलोसॉफिकल निश्चित जो दार्शनिक होता है उसके बारे में और इसके अलावा एंड सोशल कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बारे में जो सामाजिक अवधारणा होती है, सामाजिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सामाजिक जो पहलू होते हैं उसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने डिटेल से बताया।
अर्चना, वेरी गुड आफ्टरनून अर्चना। इसके बाद में ज्योति मीना, वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जो बर्थडे है, जो इनका जो जन्मदिन है, वो किस रूप में मनाया जाता है? टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। इनका जो जन्मदिन है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब है इंट्रोडक्शन टू द एसे। इंट्रोडक्शन टू द एसे, एसे के इंट्रोडक्शन के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन्स एसे इंटाइटल डेमोक्रेसी इज टेकन फ्रॉम कालकी और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। कालकी और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। इंटाइटल्ड का अर्थ होता है शीर्षक। इंटाइटल्ड का अर्थ क्या होता है? शीर्षक। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऐसे इंटाइटल, कि डॉक्टर राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया जो ऐसे है जिसका नाम है डेमोक्रेसी। इज टेकन फ्रॉम कालकि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि कालकि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन से लिया गया है। देसरा सैनी, वेरी गुड आफ्टरनून। जी आर यादव सर, बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट बना दो। प्ले लिस्ट मतलब जी आर यादव सर, इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इनकी पीडीएफ बेटा ये पीपीटी है जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, पीपीटी के द्वारा ही ये स्टडी करवाई जा रही है। आगे है एज ए फिलोसोफर एंड ए स्टेटमेंट, राधा कृष्णन मेड ए लास्टिंग एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट सर्टेन फिलोसॉफिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी। एज ए फिलोसोफर, एक दार्शनिक के रूप में, एंड ए स्टेटमेंट और एक वक्ता के रूप में, राधा कृष्णन मेड ए लास्टिंग एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट सर्टेन फिलोसॉफिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी। सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सामाजिक पहलू, लाइक डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी की तरह, फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित, और थिंक का अर्थ होता है सोचना। यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय योगदान। कि एक दार्शनिक और एक वक्ता के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमें यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, और वो है टू द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कि हम संसार के बारे में क्या सोचते हैं, एंड अबाउट सर्टेन फिलोसॉफिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी। और हमारा जो फिलोसॉफिकल एंड सोशल कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के प्रति क्या है, इस बारे में इन्होंने हमें बताया है। इन दिस ही सेज दैट डेमोक्रेसी इज पासिंग थ्रू ए टेस्टिंग टाइम। इन दिस ही से, इस रूप में वो कहते हैं दैट डेमोक्रेसी इज पासिंग थ्रू ए टेस्टिंग टाइम, कि जो डेमोक्रेसी है वो एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है, एक परीक्षण टाइम से गुजर रही है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने हमें क्या बताया है, कि डॉक्टर राधाकृष्णन आगे कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कि जो ये डेमोक्रेसी है वो किस दौर से गुजर रही है, वो टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है, परीक्षण दौर से क्या कर रही है, ये गुजर रही है। ही डिस्कसेस हाउ वी कैन सेव इट। डिस्कसेस का मतलब होता है डिस्कशन करना, वर्णन करना। हाउ वी कैन सेव इट, ही डिस्कसेस हाउ वी कैन सेव इट,
वे डिस्कस करते हैं कि हम इसको किस प्रकार सेव कर सकते हैं, हम इसको किस प्रकार बचा सकते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन कह रहे हैं कि हम किस प्रकार डेमोक्रेसी को बचा कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। अब है समरी ऑफ द एसे। नेक्स्ट क्या है? समरी ऑफ द एसे, और एसे का नाम है डेमोक्रेसी, जो कि एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया एसे। समरी ऑफ द एसे, नोट दिस एसे वाज रिटन अबाउट 40 to 45 years ago। ये जो एसे है जिसका नाम है डेमोक्रेसी, ये लगभग आज से 40 से लेके 45 साल पहले लिखा गया था। दिस एसे वॉज रिटन अबाउट 40 to 45 years ago। ये जो एसे है जिसका नाम है डेमोक्रेसी, ये आज से 40 से लेके 45 साल पहले लिखा गया था। एट दैट टाइम द केस फॉर डेमोक्रेसी वॉज बिकमिंग ए वीक वन एंड पीपल इन मैनी कंट्रीज वर गेटिंग इंस्पायरेशंस फ्रॉम द देन सोवियत यूनियन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा प्राप्त करना, कंट्रीज का मतलब होता है देश, वीक का अर्थ होता है कमजोर। एट दैट टाइम द केस फॉर डेमोक्रेसी, इस समय ये जो डेमोक्रेसी का जो केस है, लोकतंत्र का जो मामला है, वॉज बिकमिंग ए वीक वन एंड पीपल इन मैनी कंट्रीज वर गेटिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द सोवियत यूनियन। कि ये जो डेमोक्रेसी का जो केस है, ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ रहा था, बिल्कुल कमज़ोर चल रहा था, और अनेक देशों के जो लोग हैं, मैनी कंट्रीज यानी कि कई अनेक देशों के जो लोग हैं, वो यूएस से क्या कर रहे थे, प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। अनेक देशों के जो पीपल हैं, अनेक कंट्रीज के जो पीपल हैं, जो व्यक्ति हैं, वो यूएस से क्या कर रहे थे, सोवियत यूनियन से वो प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर पड़ रहा था, डेमोक्रेसी कमज़ोर होता जा रहा था, और अनेक देशों के जो लोग हैं वो सोवियत यूनियन से प्रेरणा प्राप्त करने को लगे हुए थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। सो द व्यूज एक्सप्रेस्ड हियर शुड बी रीड कीपिंग इन माइंड द देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण। सो द व्यूज एक्सप्रेस हियर, इसलिए यहाँ पर जो व्यूज प्रकट हो रहे हैं, जो दृष्टिकोण यहाँ पे बताया गया या प्रकट हो रहा है, वो क्या है, शुड बी रीड कीपिंग इन माइंड, कि हमें इसको पढ़ने के लिए अपने माइंड में लाना होगा, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, संसार का जो राजनीतिक जो एनवायरनमेंट है, उसको हमें माइंड में लेकर आना होगा। ज्योति मीना कमेंट कर रही है, सर बहुत वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके बेटा, आवाज चल रहा, आगे है। डॉक्टर राधाकृष्णन सेज दैट डेमोक्रेसी इज पासिंग थ्रू ए टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग टाइम का मतलब होता है परीक्षण समय। क्या होता है? टेस्टिंग टाइम का मतलब होता है परीक्षण समय। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। पासिंग थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना। पासिंग थ्रू का अर्थ क्या होता है? मध्य में से होकर गुजरना। कि डॉक्टर राधाकृष्णन सेज दैट डेमोक्रेसी इज पासिंग थ्रू ए टेस्टिंग टाइम। कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो इस समय परीक्षण के दौर से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन सेज दैट डेमोक्रेसी इज पासिंग थ्रू ए टेस्टिंग टाइम। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, ये किस दौर से गुजर रही है, ये टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है, ये परीक्षण समय से क्या कर रही है, गुजर रही है। एज ए पोलिटिकल आर्ग्यूमेंट, सॉरी एज ए पोलिटिकल अरेंजमेंट, इट इज नॉट वेरी पॉपुलर। पॉपुलर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। वेरी पॉपुलर का मतलब होता है बहुत ही लोकप्रिय होना। अरेंजमेंट का मतलब होता है सही सुव्यवस्थित करना। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। एज ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट, एक राजनीतिक अरेंजमेंट के रूप में, इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। यानी कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट के रूप में ये जो
डेमोक्रेसी है ये बहुत ज़्यादा क्या नहीं थी, पॉपुलर नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इट हैज़ फेल्ड इन इटली एंड स्पेन। यह इटली में और स्पेन में असफल हो चुकी थी। क्या असफल हो गया था? ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इटली में और स्पेन में क्या हो गया था? असफल हो गया था। रशिया एंड चाइना आर नॉट फेवरेबल डिस्पोज टू इट। रशिया और जो चाइना है ये भी पूरी तरीके से इसमें सफल नहीं हो पाए। रशिया और जो चाइना है इनके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ही कम था। इवन इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप स्ट्रॉन्ग डाउट्स अबाउट इट्स रियल वैल्यू आर फेल्ट। फेल्ट का अर्थ होता है महसूस करना, रियल वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक कीमत, डाउट्स का मतलब होता है संदेह, मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप का मतलब होता है यूरोप के कई हिस्सों में, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत। कि इवन इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप स्ट्रॉन्ग डाउट्स अबाउट इट्स रियल वैल्यू आर फेल्ट। कि यहाँ तक कि यूरोप के कई सारे हिस्सों में जो स्ट्रॉन्ग डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इट रियल वैल्यू आर फेल्ट, इसकी जो वास्तविक जो कीमत है उसको महसूस करवा रहे थे। वो इनकी क्या करवा रहे थे? इनकी वास्तविक जो रियल जो इनकी वैल्यू है वो हमें क्या करवा रहे थे? महसूस करवा रहे थे। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947 इंडिया चूज ए डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब होता है लोकतांत्रिक जो सेटअप होता है उसके बारे में। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947 यानी कि 1947 में ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में इंडिया चूज ए डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इंडिया ने डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या किया? चूज किया। यानी कि ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में 1947 के बाद में भारत ने या इंडिया ने क्या किया? डेमोक्रेटिक सेटअप को चूज किया या डेमोक्रेटिक सेटअप को अपनाया। बट इंडियाज एक्सपीरियंस विथ इट सो फार हैव नॉट बीन वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतुष्ट करना, वेरी सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट करना, एक्सपीरियंसिस का मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव। बट इंडियाज एक्सपीरियंस विद इट सो फार हैव नॉट बीन वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन इंडिया का जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री से क्या था? दूर था। इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी सम मिस्टेरियस कजेस इन द बैकग्राउंड रूल्स द स्टेट। मिस्टेरियस का मतलब होता है रहस्यमय, कजेस का मतलब होता है कारण, बैकग्राउंड रूल्स का मतलब होता है, बैकग्राउंड रूल्स ऑफ द स्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर जो बैकग्राउंड्स बनाए गए हैं रूल्स के लिए उसके लिए। इसलिए डेमोक्रेसी में कुछ क्या हो रहे थे? मिस्टेरियस केसेस उत्पन्न हो रहे थे, रहस्यमय कारण है वो उत्पन्न हो रहे थे। वो क्या कर रहे थे? इन द बैकग्राउंड रूल्स ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट के बैकग्राउंड के जो रूल्स बनाए गए हैं उनको हमें क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे, उनको दिखा रहे थे। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट ट्रूअली डेमोक्रेटिकली चूजन। चूजन का अर्थ होता है चुनना, डेमोक्रेटिकली का मतलब होता है प्रजातंत्र रूप से या लोकतंत्र रूप से, ट्रूली का मतलब होता है वास्तविक रूप से, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, इलेक्टेड का अर्थ होता है चुने हुए। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट ट्रूअली डेमोक्रेटिक चूजन। जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो वास्तविक रूप में या सही रूप में क्या नहीं कर रहे थे? डेमोक्रेटिक को चूज नहीं कर पा रहे थे। द वोटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई कास्ट एंड क्रीड एंड बाई अदर मीन्स। कास्ट का अर्थ होता है जाति, क्रीड का अर्थ होता है धर्म, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, वोटर्स का मतलब होता है वोट देने वाले या व्यक्ति। द वोटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई कास्ट एंड क्रीड अबाउट एंड बाई अदर मीन। अदर्स मीन का मतलब होता है और भी अनेक तरीके से, यानी कि जो वोटर्स हैं वो कास्ट और क्रीड के अलावा और भी जो दूसरे साधन हैं उनसे क्या थे? उनसे प्रभावित थे। द वोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कन्विक्शंस और द आर्गुमेंट्स इन द असेंबली और इवन द व्यूज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है विधायिका, असेंबली का मतलब होता है असेंबल, आर्गुमेंट्स का मतलब होता है तर्क, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना, कन्विक्टिव का मतलब होता है पीड़ित, लेजिस्लेटिव का मतलब वही होता है सभा। कि यहाँ तक कि वोट्स है, द वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो वोट थे और स्टेट लेजिस्लेटिव या इनके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए जो वोट पड़ रहे थे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पॉलिटिक्स, वो इनके जो कॉन्विक्टिंग्स है उनसे इन्फ्लुएंस नहीं थे, उनसे प्रभावित नहीं थे, और द आर्ग्यूमेंट्स इन द असेंबली ऑफ इवन द व्यूज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ तक कि उनकी असेंबली के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उनके जो व्यूज हैं उनके जो तर्क हैं वो भी उनको प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। द डिस्कशन इज अनरियल एंड डेमोक्रेसी इज ओनली ए नेम। अनरियल का मतलब होता है अवास्तविक, डिस्कशन का मतलब होता है तर्क वितर्क। द डिस्कशन इज अनरियल, उनके जो डिस्कशन है उनके जो तर्क वितर्क है वो कैसे थे, अनरियल है, अवास्तविक है, एंड डेमोक्रेसी इज ओनली ए नेम, और जो डेमोक्रेसी है या जो लोकतंत्र है वो क्या है, इज ओनली ए नेम, केवल एक नाम है। डेमोक्रेसी क्या है, केवल एक नाम है। द जनरल इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैव नॉट बीन फेवरेबल टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। द जनरल इफेक्ट, जो सामान्य रूप से जो इफेक्ट थे डेमोक्रेसी के, हैव नॉट बीन फेवरेबल ऑफ द फ्रीडम, वो फ्रीडम के फेवरेबल नहीं थे, फ्रीडम के अकॉर्डिंग नहीं थे या फ्रीडम के फेवर में नहीं थे। ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, इन यूरोप एंड अमेरिका इंडिविजुअल लाइफ इज लिस्ट रिगार्डेड। यूरोप ऑफ अमेरिका में, यूरोप ऑफ अमेरिका में जो इंडिविजुअल लाइफ है, जो व्यक्तिगत लाइफ है वो क्या थी, इज लिस्ट रिगार्डेड, ये लिस्ट रिगार्डेड थे। देर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच थ्रेटन, देर आर ऑर्गेनाइजेशन विच थ्रेटन dissenting politician is Soviet Russia, no man is allowed to choose what he will do. Threaten का मतलब होता है धमकाना, threaten का मतलब क्या होता है धमकाना, organization का मतलब होता है संगठन, organization का मतलब क्या होता है संगठन, politician का मतलब होता है राजनीतिक है, कि वहाँ पर जो organization थे, जो संगठन थे वो क्या कर रहे थे, इनको धमका रहे थे, राजनीतिक जो संगठन थे वो इनको क्या कर रहे थे, इनको धमका रहे थे। इन सोवियत रशिया नो मैन इज अलाउड टू चूज वाट ही विल डू, सोवियत रशिया में कोई भी व्यक्ति ये अलाउ नहीं कर रहा था कि लोग इनको क्या करें, इनको अपनाएं। देर इज नो लिबर्टी ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, वहाँ पर कोई भी लिबर्टी नहीं थी, कोई भी उदारवाद नहीं था किसके प्रति, एक्शन और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के प्रति जो एक्शन है उनके प्रति कोई भी लिबर्टी नहीं थी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी हैज़ बिकम कन्फ्यूज्ड विथ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है अज्ञानता, कन्फ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना। डेमोक्रेसी हैज़ बिकम कन्फ्यूज्ड विथ इग्नोरेंस, जो डेमोक्रेसी है वो इग्नोरेंस के साथ क्या हो रहे थे, उनको कन्फ्यूज कर रहे थे, उनकी अज्ञानता के साथ उनको क्या कर रहे थे, कन्फ्यूज कर रहे थे। अवर न्यूज़ पेपर्स गिव प्रोमिनियंस टू न्यूज़ अबाउट सोशल क्राइम्स डांस हॉल्स एक्सेट्रा, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे जो समाचार पत्र हैं वो क्या कर रहे थे, प्रोमिनियंस द न्यूज़, वो न्यूज़पेपर जो न्यूज़ हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे थे अबाउट सोशल क्राइम्स, जो सामाजिक जो क्राइम है, जो सामाजिक जो अपराध है उनके बारे में वो क्या करवा रहे थे, वो हमें बता रहे थे। दाउ एजुकेशन फैसिलिटीज आर विद इन द रीच ऑफ लार्ज नंबर्स, यहाँ तक कि एजुकेशन जो फैसिलिटीज है वो बड़ी संख्या में, द लेवल ऑफ कल्चर इज नॉट वेरी हाई, और उनका जो कल्चर है उनका जो सांस्कृतिक लेवल है वो कैसा था, इज नॉट वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं था। वी आर टॉट टू रीड बट नॉट ट्रेंड टू थिंक, वी आर टॉट टू रीड, हमें इनके पढ़ने के लिए हम बातें करते हैं बट नॉट ट्रेंड टू थिंक, लेकिन हम इसके सोचने के लिए क्या नहीं है, ट्रेन नहीं है, कि हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, वी आर टोट टू थिंक, कि हम पढ़ने के लिए बातें करते हैं बट नॉट ट्रेन टू थिंक, लेकिन इनके सोचने के बारे में हम ट्रेंड नहीं है। दोज हु नो बेटर आर अफ्रेड टू स्पीक आउट, दोज हु नो बेटर आर, कि वो व्यक्ति और ज़्यादा बेटर होते हैं, आर अफ्रेड टू स्पीक आउट, जो कि बोलने के लिए भयभीत नहीं होते। एज मास इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इज ओपिनियंस प्रीवियल अवर दोज ऑफ द थिंकिंग व्यू, ओपिनियंस का मतलब होता है विचार, मास का तो होता है भीड़ या जनता, एज मास इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ है, जो जनता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर का रोल अदा कर रही है। इट्स ओपिनियन प्रीवियल
ट्रिवियल अवर दोज ऑफ द थिंकिंग फ्यू, और उनके जो ओपिनियन हैं, उनके जो विचार हैं, वो उनको क्या करा रहे हैं, उनकी थिंकिंग को हमारे सामने प्रोवाइड करवा रहे हैं। देयर इज ए टेंडेंसी इन ऑल डेमोक्रेसीज टू स्टैंडराइज थ्रो एंड बिलीफ। बिलीफ का होता है विश्वास, थॉट का होता है विचार, टेंडेंसी का मतलब होता है तर्क वितरक करने की क्षमता, डेमोक्रेसीज का मतलब लोकतंत्र, स्टैंडराइज का मतलब था इस तरह। देर इज ए टेंडेंसी इन ऑल डेमोक्रेसीज टू स्टैंडराइज थ्रो थॉट एंड बिलीफ। उनकी जो डेमोक्रेसी के प्रति जो टेंडेंसी है, उनकी जो अवधारणा है, उनकी जो विचारधारा है, वो उनके थॉट्स पे और उनके बिलीफ पे क्या करती है, डिपेंड करती है, उनके स्टैंडराइज उनको करती है। अवर माइंड्स वर्क मैकेनिकली, हमारा जो माइंड्स है वो एक मशीन की तरह कार्य कर रहा है। दिस मैकेनाइजेशन ऑफ माइंड्स इज डेडली टू ऑल क्रिएटिव माइंड्स, कि ये जो मैकेनिकली रूप से जो माइंड है वो पूरी तरीके से जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, हमारा जो सृजनात्मक जो माइंड है, उनको क्या बना रहा है, डेडली बना रहा है, उनको मर्त बना रहा है। द हाइएस्ट क्रिएशन आर इवॉल्व नॉट एज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ए पैटर्न बट एज द आउटकम ऑफ इंसाइट। द हाइएस्ट क्रिएशन आर इवॉल्वड, जो हाइएस्ट जो क्रिएशन है वो क्या बना रहा है, नॉट एज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग, वो थिंकिंग का रिजल्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू ए पैटर्न, एक पैटर्न के अनुसार, बट एज द आउटकम ऑफ इंसाइट, लेकिन ये इंसाइट के रूप में क्या है, ये आउटकम है, यानी कि बाहरी रूप से हमारी जो अंतर्दृष्टि है, इंसाइट है, उनके रूप में है। हार्ड रिफ्लेक्शन एंड सॉलिटरी मेडिटेशन ऑफ मैन हु आर लिफ्टेड अबोव द कॉमन ग्रोव, यानी कि जो सॉलिटरी जो मेडिटेशन है, हमारा जो ध्यान है ऑफ मैन, व्यक्तियों का, हु आर लिफ्टेड अबोव द कॉमन ग्रोव, वो इस सामान्य जो ग्रोव है, जो कॉमन ग्रोव है, उनको क्या कर रहा है, लिफ्टेड कर रहा है, उनको ऊपर उठा रहा है। डेमोक्रेसी इन इट्स एक्चुअल वर्किंग इज एंटी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी है वो वास्तव में कार्य कर रही है किसके रूप में, इज एंटी डेमोक्रेटिक, एक एंटी डेमोक्रेटिक के रूप में वो कार्य कर रही है। इट्स सेंट्रल मोटिव इज रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, इस डेमोक्रेसी का जो सेंट्रल मोटिव है, जो मध्य का इसका जो मोटो है, वो क्या है इसका, रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, व्यक्तित्व का क्या करना, रेस्पेक्ट करना, व्यक्तित्व का क्या करना, रेस्पेक्ट करना ही इसका क्या है, मोटो है, रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। बट आवर डेमोक्रेसी डिमांड्स दैट वी कन्फर्म ए मोर और लेस कन्विक्शन पैटर्न, देयर कैन बी नो प्रोग्रेस इन थॉट इफ वी ऑल बिगेन टू एग्री इन आवर आइडियाज, देयर कैन ही नो प्रोग्रेस, कि वहाँ पर वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता और वृद्धि नहीं कर सकता इन द थॉट्स, अपने विचारों में, इफ वी ऑल बिगेन टू एग्री इन आवर आइडियाज, कि यदि हम हमारे आइडियाज में क्या नहीं होंगे, एग्री नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे। इट इज एसेंशियल दैट वी मस्ट एग्री टू दिस, इट इज एसेंशियल, इसलिए यह जरूरी है, दैट वी मस्ट एग्री टू डिसएग्री, कि हमें डिसएग्री होते हुए भी एग्री बनना पड़ेगा। देयर कैन बी नो पोलिटिकल इक्वलिटी, कि वहाँ पर कोई भी राजनीतिक असमानता नहीं है, वेयर देयर इज सो मच इकोनॉमिक इक्वलिटी, जहाँ पर आर्थिक रूप से कोई भी असमानता नहीं। डॉक्टर राधा कृष्णन कॉन्क्लूड्स द एसे विद दिस रिमार्क, डॉक्टर राधा कृष्णन है वो इस रिमार्क को अपने ऐसे में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट माइंड एंड विल विच कंपोज इट, पॉलिटिकल लाइफ का मतलब होता है राजनीतिक जीवन, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, डिपेंड्स का मतलब होता है डिपेंड करना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट माइंड का मतलब होता है जो स्वतंत्र जो माइंड्स हैं उनकी संख्या पर, कि द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी डिपेंड्स, कि जो राजनीतिक जो लाइफ है वो कम्युनिटी पर डिपेंड करती है, ऑन द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट माइंड, उनका जो स्वतंत्र जो माइंड है उनकी संख्या पर, एंड विल्स विच कंपोज इट, और उनकी जो इच्छाएं हैं वो इनको क्या करती है, कंपोज करती है, इनको निर्मित करती है। द प्ले ऑफ थॉट एंड एक्शन इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी, हेल्थ कार्ड होता है स्वास्थ्य, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक,
द प्ले ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, इनका जो सोचने का और इनका जो एक्शन है वो क्या है, इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो स्वास्थ्य है उसके लिए ये जरूरी होता है। दिस कैन नॉट बी हैड इन द परजेंट अरेंजमेंट, परजेंट दिस कैन नॉट बी हैड इन द परजेंट अरेंजमेंट, ये वास्तविक या वर्तमान में जो अरेंजमेंट हैं इनके लिए ये उपयुक्त नहीं है। वी मस्ट स्ट्राइव फॉर सम बेटर वे ऑफ concluding human affairs than the lofty of the ballot box. We must strive for some better way. और हमें इसके लिए और भी अच्छे तरीके से इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। Of concluding human affairs, जो human affairs को शामिल करते हुए या मानव के जो affairs हैं उनको इसमें शामिल करते हुए, than the loyalty of the ballot box, ballot box की loyalty के बजाय। तो dear students, आज की क्लास में इतना ही। Next का बने रहिए बांसुर पीजी कॉलेज, बांसुर ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक्स।